का न्यूज 19 में मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी विभूति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, उनको स्वर कोकिला के नाम से संबोधित भी करते हैं। जी हां, हम उस अभिनेत्री का नाम बता रहे हैं जिनका नाम है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के बारे में देश ही नहीं विदेश के तक भी लोग जानते हैं, उनके काफ़ी लोग देश में और विदेश में फेमस हैं, उनके काफ़ी इस चीज़ के नाम के विख्यात जानते हुए। क्या आपने सुना है कि लता मंगेशकर ने अपने गाने की शुरुआत कब से की थी? उन्होंने जो पहला गाना गाया था उसमें उनको कितने रुपए मिले थे? शायद ही आपने इस बात के बारे में विचार विमर्श किया होगा, शायद ही आपको यह जानकारी होगी कि लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की थी। आज हम आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी के माध्यम से आपको लता मंगेशकर के अनसुनी बातों की जानकारी देंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगे। आज हम उनको उनके पूरे जीवन की जानकारी आपको इस तरीके से देंगे कि शायद आपने पहले कभी सुनी होंगी। जी हाँ, आपको ये खबर देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज ये खबर आपने छोड़ी तो समझो काफी लता मंगेशकर की कहानियों से अधूरे रह जाओगे, इसलिए इस खबर को जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले बता दूँ कि लता मंगेशकर अपने जीवन में 30,000 से ज़्यादा गाने गा चुके हैं। यही नहीं, आज लता मंगेशकर कहाँ पर हैं, क्या कर रही हैं और उनकी साल कितनी हो गई, आज उनकी उम्र कितनी हो गई और उन्होंने किस कारण से शादी नहीं की, ये आज ये सारी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से देंगे, लेकिन देखना जरूर। तो आप यह जानना जरूरी समझते हैं क्योंकि उनके चाहने वाली इस बात के बारे में उनके जहन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की थी और आखिर उनके क्या कारण रहे थे, क्या उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी से प्यार नहीं किया था। ऐसा हर किसी के मन में यह सवाल पैदा होता है, लेकिन दोस्तों यह बात सच है कि लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। लेकिन शादी क्यों नहीं की और क्या उनके पूरे जीवन काल में ऐसा कोई व्यक्ति आया था जिनसे उनको भी प्यार हुआ था, यह सब देखने के लिए देखिए हमारी इस खबर में। लता मंगेशकर इस नाम से देश का हर एक नागरिक वाकिफ है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक की जुबान पर आज भी उनका नाम है। 6 दशकों तक अपनी आवाज से लोगों के दिलों में राज करने वाली मशहूर गायिका लता मंगेशकर के चाहने वाले न केवल देश में हैं बल्कि विदेशों में भी उनके लाखों फैंस मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रमुख है। उनकी जिंदगी से जुड़ी बातों को लोग जानना और सुनना बेहद पसंद करते हैं। एक सवाल जो हमेशा उनके चाहने वालों के जहन में आता रहता है और वह यह है कि लता मंगेशकर ने कभी शादी क्यों नहीं की, क्या थी इसके पीछे की वजह, बहुत कम लोग इसके बारे में पता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस महान शख्सियत ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से शादी क्यों नहीं की। दरअसल उनकी शादी न करने के पीछे कई सारे कारण थे। एक तो बेहद कम उम्र में उनकी ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, बड़ी बेटी होने के नाते भाई बहनों की जिम्मेदारी को संभालने में इतनी व्यस्त रहीं कि अपनी शादी के बारे में सोचने का उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। हालांकि इसके बारे में और जो बताया जाता है पीछे की वजह, वह यह है कि एक गहरा राज भी है जिसके बारे में हम आपको बताना जा रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर राजघराने के राज सिंह के बारे में। लता मंगेशकर के साथ राज सिंह के रिश्ते की कई खबरें अक्सर मीडिया में आती रहीं। 19 दिसंबर 1935 को राजपूताना की डूंगरपुर राजघराने में पैदा हुए राज सिंह की दोस्ती लता मंगेशकर के भाई से थी। दोनों एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। जय सिंह जब बड़े हो तो लॉ की पढ़ाई करने के सिलसिले में मुंबई गए। वहां दोबारा उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त और लता मंगेशकर से हुई। साथ ही लता मंगेशकर के भाई के साथ राज सिंह अक्सर उनके घर जाया करते थे। वक्त बीतता गया और उनकी दोस्ती लता जी से हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने के बावजूद भी शादी नहीं कर पाए और इसके पीछे की वजह थी राज सिंह का अपने पिता से किया गया वादा। ऐसा कहा जाता है कि राज सिंह ने अपने माता पिता से यह वादा किया था कि वह किसी आम घर की लड़की को बहू बनाकर राजघराने में नहीं लाएंगे। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने लता मंगेशकर से अपने रिश्ते को कोई नाम न देने पाए। साल 2009 के 12 सितंबर को उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया।
लता को पहली बार स्टेज पर आने के लिए 25 रुपए मिले थे, यानी लता मंगेशकर ने पहली बार स्टेज पर गाना गाया तब उनको 25 रुपए मिले थे। इसे वह अपनी पहली कमाई मानती हैं। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोंसले सभी ने संगीत को ही अपने करियर से पूरा चुना। लता को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे और इसे वह अपनी पहली कमाई मानती हैं। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया। अब जैसे आपको जानकारी होगी कि लता मंगेशकर की शादी क्यों नहीं हुई थी, उनको फर्स्ट गाने में कितने रुपए मिले थे, तो ये सब जानकारी अगर आप नहीं देखते तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी किस तरीके से मिलते। इसलिए ऐसी तमाम आगे जानकारियों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ में। नमस्कार।